तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे ही कंपनी टीटीएक्स भागने वाली थी, अपना बोरिया बिस्तर समेटने वाली थी, वैसे ही जितने भी टीटीएक्स के जो कस्टमर केयर वाले थे, यानी कि जो लोग हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने पे हमें मतलब कि रिस्पांस देते थे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उन सभी का नंबर ऑफलाइन हो गया, यानी व्हाट्सएप पे वो लोग सभी ऑफलाइन हो गए। तो गाइस ऐसे ही हम चेक करते रहते थे, ठीक है, कि कौन कौन ऑनलाइन है, कोई है कि नहीं है जो सपोर्ट हमेशा करते थे, जो लोग हमेशा आप लोगों को अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए भी बोले, ठीक है, वही लोग मैसेज करते थे व्हाट्सएप ग्रुप में कि अकाउंट वेरिफिकेशन कराइए आप, ठीक है। तो उन लोगों के कहने पे हम लोगों ने अकाउंट वेरिफिकेशन भी करा लिया और उसके बाद उन लोगों ने और भी मैसेज किए कि आप लोग अपना जो VIP है उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, यानी कि हर एक पॉइंट पे जो लोग गाइड करते थे हम लोगों को, ठीक है, उन सभी का व्हाट्सअप नंबर जो था वो ऑफलाइन हो गया, व्हाट्सअप में ऑफलाइन हो गए, वो लोग ऑनलाइन आते ही नहीं थे। तो गाइस मैं हमेशा ध्यान देता रहता था कि कोई आ रहा है कि नहीं, तो गाइस आज ही एक जो कस्टमर केयर वाला था वो ऑनलाइन आ गया और फिर मैंने उससे क्या क्या बातें की, बहुत ही गर्मा गर्मी वाली बातें हो गई उससे, ठीक है। इससे तो गाइस बात करने से तो ये श्योर है कि जो हमारा जो पेमेंट जो यानी जो पैसा डूबा हुआ है वो तो कभी रिटर्न आने वाला है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको व्हाट्सअप से जो बातें हुई उसे मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को मैं मोबाइल पे चला के दिखाऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 98-99% लोग मतलब बिना सब्सक्राइब किए वीडियो मेरा वॉच करते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे ही उसने मेरा मैसेज सीन किया, ठीक है, तो मैंने सीधे बोला कि वाई नॉट रिप्लाई ऑफ माई क्वेश्चन, ठीक है, तो बोला कि व्हाट योर क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर मैंने ये पे बोला कि वी लॉस्ट आवर मनी इन TTS, ठीक है। तो गाइस यार देखो, मैंने बोला कि मेरा पैसा मतलब कि मैं खो चुका हूँ, प्लीज़ रिटर्न आवर मनी, मतलब मेरा पैसा वापस करो, ठीक है। तो वो बोल के आ रहा है देखो कि या TTS गोइंग टू डाउन साइड सो नो रिटर्न चांसेस, मतलब कि कंपनी डूबने की तरफ चली गई है, मतलब कि उसका मतलब कि नीचे की तरफ चली गई है, ठीक है, और आपका पैसा रिटर्न होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला वाई, तो बोला आई डोंट नो डंट एनी मैसेज, ओके अंडरस्टैंड। तो भाई यार देखो, अपना पैसा लगा करके और फिर किसी से रिक्वेस्ट करो और फिर किसी से बोलो कि मेरा पैसा वापस कर दो, और कोई ऐसा बोले कि कोई मैसेज मत करो, ठीक है, या हमारे दरवाजे पर मत आओ, तो यार देखो बहुत गुस्सा लगता है भाई। फिर भी मैंने अपने आप को बनाए रखा, फिर मैंने मैसेज किया दैट्स आवर हार्ड वर्क मनी एंड आई एम नॉट लीव इजली, यानी कि यार मेरा मतलब कि मैंने ये मैं उसे ये बोलना चाहा, ठीक है, कि ये जो मेरा पैसा है मेरा हार्ड वर्क का है, मतलब कठिन काम करके ये मेहनत करके पैसा कमाया हूँ, मैं इतनी आसानी से पैसा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो वो देखिए अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट डू यू वांट, मतलब कि क्या चाहते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि आई वांट आवर मनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ना तो कुछ करना चाहता हूँ, मुझे केवल मेरा पैसा चाहिए, ठीक है। और फिर मैं फिर उससे पूछ रहा हूँ कि वाई ऑफलाइन प्रीवियस डे, मतलब कि पिछले दिनों में आप ऑफलाइन क्यों थे, ठीक है, जब से मतलब कि वो मतलब TTS भाग गया कंपनी, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, लुक मिस्टर डोंट इरिटेट मी, ठीक है, बोल रहा है कि मुझे इरिटेट मत करो, मैसेज मत सेंड करो, ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है, ठीक। तो गाइस ये फिर बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि नहीं व्हाट्स इरिटेट, मतलब ये क्या इरिटेट का बंदा है, वी ओनली वांट आवर मनी, केवल हम अपना पैसा चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर वो WTF ये मतलब कि लिख के सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। फिर मैंने देखो व्हाट्स गोइंग बैन, जो मतलब कि ये मैंने गाली दे दी, आप पढ़ सकते हो इस पर, ठीक है। तो फिर आप हिंदी हिंदी जो गाली है इसको ये लोग तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का है नहीं। तो मैंने थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में देने की शुरू किया, फिर उसने भी ऑल मतलब कि वो माइक से रिकॉर्ड करके गाली को फेर दिया, मैंने भी दिया, तो इस तरीके से गर्मा गर्म हुई। फिर लास्ट में वो मुझे ब्लॉक कर दिया सिंपली व्हाट्सअप से। गाइस एक और चीज़ है कि मैं व्हाट्सअप से व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहा था तो भी व्हाट्सअप कॉल भी नहीं हो रहा था। गाइस ये तो पक्का श्योर है कि ये जो नंबर है फेक नंबर है, ठीक है, और यहाँ का ये पर्सन है नहीं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और जो मैंने बातें की उनसे जो भी मतलब थोड़ा सा यार बात तो हुई है, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो कि कैसे बातें हुई है, ठीक है। तो इससे तो क्लियर है कि हम लोग का पैसा मिलने वाला है नहीं और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और कॉल करने पे तो कॉल तो लगता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए बस इस वीडियो में यहीं तक, हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।